सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में कुछ हम अलग करने वाले हैं, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। 26 जनवरी स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सुनो भाई, मतलब एक बात पूछना था तुमसे। गाली मत देना भाई। नहीं नहीं, गजब बेइज्जती है। अब कौन सा देश में रहते? अबे साले इंडिया में। अच्छा अच्छा, इंडिया में। तो आपको एक क्वेश्चन, सवाल है आपको, ठीक है? हाँ। 26 जनवरी को क्या पड़ता है, मतलब रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे? मेरे को इंग्लिश नहीं आता भाई। एक सवाल आपसे पूछना था, ठीक है? हाँ पूछो भाई। तो ये 26 जो जनवरी आने वाला है, तो उसपे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे होता है? इंडिपेंडेंस डे या? अब कौन पकड़ के लेके आया इसे? हैं? अरे रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बोल रहे हो रिपब्लिक डे, वो बोल रहे हो इंडिपेंडेंस डे, कौन सा? अरे डिसाइड करके बोलो। रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे भाई। पूजन भाई, तुम क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। गुड भाई, हेलो। हाँ भाई। भाई आप क्या बोल रहे हो? जो समझ लो भाई, इंडिपेंडेंस डे। मेरे को इंडिपेंडेंस डे लगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब एक ही चीज है ना यार, देखो ये रिपब्लिक डे, एक ही दिन वो आजादी हुई थी। अच्छा, आजादी कब मिला था? 3 अगस्त या 26 जनवरी को? 15 अगस्त। अच्छा, तो 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है या रिपब्लिक डे होता है? दोनों ही, वही समझ लो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अरे पूजन भाई, आप कुछ मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कैसे एक्सप्लेन करूं? बता सकते हो कि ये रिपब्लिक डे और मतलब क्या बोलते हो उसको? हाँ। मुझे आप आपकी गिल्ड में ले सकते हो? रुको जरा, सबर। अरे आपको सारे गिल्ड में आपको ले सकते हैं, ठीक है? तो आपको 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 बताना है कि ये रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो। क्या हुआ पूजन भाई? हेलो, आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये फंस गया सी है। अरे यार, मतलब मेरे को जानना था वैसे। मेरा भी ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या, तुम्हारा भी ऐसा ही है? हाँ, मेरे को भी जानना ही है। मतलब तुक्का मार दिया तुमने, तो छोड़ो यार, तुम सही बताया। मतलब पूजन भाई तुम नहीं जानते हो, तभी भी सही बताया, ठीक है? और क्यूट बॉय भाई, आपको इंडिपेंडेंस डे नहीं है, ठीक है? आप रॉन्ग बोले, ठीक है? रिपब्लिक डे होता है, ठीक है क्यूट बॉय? क्या कुछ रिवॉर्ड देने वाले हो अब? अरे बस कर भाई। नहीं, रिवॉर्ड तो नहीं दे सकते, ठीक है? बट आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए ये तो जरूर बोल सकते हैं। हम एक यूट्यूबर है, ठीक है? ये चैनल है, सब्सक्राइब कर देना भाई। बट गिल्ड में तो ले लो मेरे को। नहीं, आपको गिल्ड में मैं इनवाइट करता हूँ, ठीक है? आप आ जाओ। और क्यूट बॉय भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ये 26 को आने वाला है ये वीडियो, ठीक है? छोड़ू क्या वीडियो? क्या यूट्यूब पे छोड़ सकते हैं भाई? कोई बात, डाल दो। ओके ओके, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है? हेलो, मेरे साथ खेलो ना भाई, एक राउंड भाई, कोई भी, मुझे सब किक करता है। अरे हम नहीं करने वाले। अच्छा अच्छा, पहले मतलब आपसे कुछ सवाल पूछना था, ठीक है? हाँ। पहला सवाल क्या? मतलब पहला सवाल का आंसर मिला तो दूसरा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? हाँ बोलो। पहला सवाल आपके लिए ये होता है कि आप कहाँ से हो, कौन सा देश है आपका? मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मुर्शिदाबाद जिला। तो आप हो इंडिया से, ठीक है? हाँ। तो आपको एक सवाल है कि 26 जो जनवरी आने वाला है, हाँ,
दिन क्या क्या होता है, मतलब रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है? हाँ बोलो, इंडिपेंडेंस डे भाई, इंडिपेंडेंस डे होता है। हाँ मेरे को लगा था कि रिपब्लिक डे होता है यार। अरे भाई मुझे पता नहीं भाई क्या क्या तुम बोल रहे हो ना। क्यों भाई? मैं छोटा हूँ ना तुम लोगों से बहुत। अब कौन पकड़ के ले गया इसे हैं? कितने साल के हो तुम? 8। हेलो हेलो भाई, पोजिंग पैड भाई। अरे बाबा। हेलो। हाँ भाई। अरे भाई अभी जो आने वाला है वो रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे? रिपब्लिक डे। अरे यार मेरा ये आशुतोष भाई बोल रहा था कि इंडिपेंडेंस डे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, नहीं पता है तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को है। अरे यार 15 अगस्त को क्या होता है फिर? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे या इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे तो बोला। अरे तुमने तो अभी रिपब्लिक डे बोला यार। अरे तो तुमने 26 जन का पूछा था तब बोला, अभी तो 15 अगस्त का पूछा। अरे तुमने तो अभी 15 अगस्त का मतलब रिपब्लिक डे बोल रहे हो। कौन से वाले बोल रहे हो? अरे मैं तो ये वाला बोल रहा हूँ जो इमोट नहीं दिखा रहा। कहाँ पे दिखा? अरे इमोट जो नहीं दिखा रहा हूँ। क्या ये आतोष क्या बिजीत? अरे बिजीत। अच्छा बिजीत। अरे बोलो यार मैं कंफ्यूज हो गया यार, तुमने तो और भी आकर मतलब मामला बिगाड़ रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो यार। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। वैसे मतलब कहां से पढ़ा है तुमने? स्कूल में। स्कूल में पढ़े? स्कूल में पढ़े हो या इस स्कूल में पढ़े हो? स्कूल। स्कूल में पढ़े हो। अच्छा कौन से मैम आपको बताया? वही इंग्लिश। अरे तुमको तो झूठ बोला यार भाई, रिक्वेस्ट ले लो ना। अरे ले लेंगे यार, पहले मेरे को ये बताओ कि ये रिपब्लिक डे कब होता है और इंडिपेंडेंस डे कब होता है? बोलो क्या हुआ? चले गए? अच्छा अच्छा गूगल में सर्च करने गए होंगे। अरे यार क्या ही बोले, स्कूल में नहीं सीखा क्या? अरे वही तो मेरे, मैं तो आशुतोष जो बोलता है वो मैं मतलब मान लेता हूँ, और ये कभी झूठ बोलता है। गूगल के क्या मतलब... बोल रहा है? अरे गूगल के बराबर है आशुतोष, पता है तुमको? बात तो सही है। ओ भाई गूगल के बराबर। हेलो नूप भाई। हेलो बोलो भाई। अरे आपसे मतलब आप कहाँ से हो वैसे बताओ? हेलो भाई मैं महाराष्ट्र से। अच्छा तो इंडिया से हो ना आप? हाँ इंडिया से हूँ। अच्छा तो एक आपको एक सवाल पूछना था भाई। बोलो भाई। पहले ये बताओ कि ये आशुतोष मेरा दिमाग खराब कर चुका है, ठीक है? तो 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है? है भाई रिपब्लिक डे। तुक्का मारो भाई अच्छे से। अच्छे से भाई इंडिपेंडेंस डे होता है भाई, अच्छे से बोल दो यार। अच्छी जानते नहीं क्या ये? ला 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 लग गया। क्या हो गया भाई? ये क्या है? रुक जाओ, दो मिनट रुको मैं गूगल सर्च करके आता हूँ। ओ
भाई भाई गूगल सर्च कर भाई, गूगल पे मत जाओ यार। तो अरे मत जाओ यार, गूगल पे मत जाओ ठीक है। अरे यही मतलब यही बताओ ना भाई। देखो भाई रुक जाओ, पूरा लॉजिक के साथ चलो, पूरा एक्सप्लेन करना क्यों और क्यों, मतलब ये इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे वैसे मतलब सेम सेम ही लगता है, तो सेम टू सेम ही है, मतलब जो भी बोला सकते हैं। इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे सेम सेम नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या होता है रिपब्लिक डे? मतलब उस समय हमारे देश का झंडा बना था, हमारे देश का नेशनल एंथम हुआ था। इंडिपेंडेंस मतलब उस दिन हमें आजादी मिली थी, तब हमारे देश को हमारा नेशनल एंथम मिला, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना वो झंडा बनाया। हाँ सर सर सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।